बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लास। आज हम आपकी सेकेंड ईयर की बुक का जो है वो चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है पाकिस्तान। आपने पहले दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, विच इज़ अबाउट दी पाकिस्तान। इसमें आप पाकिस्तान का महलेब को और पाकिस्तान की पॉपुलेशन और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान का महलेब को जज करने के लिए या पढ़ने के लिए जो है वो आप इस मैप को ध्यान से देखें। ये पाकिस्तान का जो है वो इस वक्त मैप आपके सामने है, जिसमें जो है वो ये पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से ये नक्शा बना हुआ है। लोकेशन वाइज़ अगर हम देखें तो साउथ एशिया का जो रीजन है उसमें जो है वो पाकिस्तान आता है, यानी जो आपने पीछे बरेआज़म एशिया पढ़ा है उसका जो साउथ वाला हिस्सा है जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं, उस साउथ एशिया में 8 मुल्क हैं। उन 8 मुल्कों में से एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की अगर दुनिया में लोकेशन देखें तो पाकिस्तान के जो है वो मशरक़ में इंडिया है, और पाकिस्तान का जो मगरब है उसमें ईरान और अफ़ग़ानिस्तान और सऊदी अरब ये आ जाते हैं। और पाकिस्तान का अगर शुमाल हम देखें तो इसमें यहाँ पर हमालिया माउंटेंस हैं, जिसके पीछे जो है ये चीन है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान का साउथ हम देखें तो इसमें जो है ये बहीर अरब है। पाकिस्तान का अगर रकबा हम ओवरऑल देखें तो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है, और पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम जो है वो कंट्री है, और यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर आबादी जो है वो मुसलमानों की जो है वो पाई जाती है। सेकंड टॉपिक है पॉपुलेशन एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन, आबादी और इसकी तकसीम। पाकिस्तान में आबादी की तकसीम को अगर हम देखें तो वो भी अनइवन है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर आबादी ज़्यादा है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर आबादी कम है, क्योंकि पाकिस्तान का खासा जो हिस्सा है सिंध और बलूचिस्तान का वो रेगिस्तानी है और पहाड़ी इलाके हैं, और वहाँ की ज़मीन ज़्यादातर बंजर और गैर आबाद है, तो वहाँ पर आबादी आपको कम मिलेगी। इसी तरह से अगर हम दरियाए सिंध के का मैदानी इलाका देखें, जो कि जरहेज़ी के एतबार से और ज़री नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम है, तो वहाँ पर आबादी जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी जो है वो 132.3 मिलियन है, और जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हुआ था 2015-16 में उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जो है वो अब 195.4 मिलियन है, यानी 19.5 करोड़ से ज़्यादा। अगर आबादी की जो है वो देखें हम अजाफे की शरह, तो वो 1.89 थी, और अब जो है 2015 में वो 1.92 यानी बढ़ गई है। आबादी की गुंजानी देखें तो पाकिस्तान में आबादी की गुंजानी 250 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर हैं। गुंजान आबाद इलाकों में पाकिस्तान में हम देखें तो सबसे पहला जो गुंजान आबाद अज़ला में जिसका ज़िक्र आता है वो कराची के अज़ला हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, गुजरांवाला जैसे संती इलाके आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो गुंजान आबाद हैं। इसके अलावा जो है वो सियालकोट और गुजरात जो कि कोहे दामनी इलाके हैं, वहाँ पर ज़मीन ज़रहेज़ है, बारिश की मकदार काफ़ी होती है, तो ज़री पैदावार के लिहाज से वो नुमाया तरक्की रखते हैं, तो वहाँ पर जो है वो आपको आबादी ज़्यादा नज़र आएगी। अगेन अगर हम इस नक्शे को देखें तो ये सूबा पंजाब है, ठीक है, और ये सिंध है। अब आप देखें सिंध और पंजाब में आपको आबादी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये जो डॉट्स हैं ये शो करते हैं पॉपुलेशन की गुंजानियत को, यानी डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन को, कि फ़ी मुरबा किलोमीटर कितने लोग आबाद हैं। तो जितने जिस जगह पर डॉट्स ज़्यादा नज़र आएंगे इसका मतलब है कि वो ज़्यादा डेंसर एरिया है। तो पंजाब और सिंध जो हैं वो आपको यहाँ पर इस नक्शे में नुमाया तौर पर जो है वो ज़्यादा गुंजान आबाद जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, बरक्स ये बलोचिस्तान और सरहद के। अब आगे बढ़ते हैं तो जो पाकिस्तान की कम आबादी वाले इलाके हैं उनकी तरफ आते हैं। तो कम आबादी वाले इलाकों में बलोचिस्तान का प्लेटू का इलाका आ जाता है, थल और थार के रेगिस्तान आ जाते हैं जहाँ की ज़मीन रेतरी और पथरीली है, काश्तकारी के काबिल नहीं है, वो इलाके इसमें आ जाते हैं।
जहाँ पर आबादी जो है वो फ़ी मुरबा किलोमीटर जो है वो 50 अफराद से जो है वो कम है। इसके बाद कलात जैसे बंजर इलाके आ जाते हैं जहाँ पर फ़ी मुरबा किलोमीटर आबादी जो है वो औसतन 20 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर है। फिर चागी और हारान के इलाके आ जाते हैं जहाँ पर जो है वो 3% से कम हिस्सा जो है वो ज़ेरे काश्त है और आबादी जो है वो 5 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक टेबल नज़र आ रहा है बुक पे, ये जिसमें जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के हवाले से और बड़े इलाकों के हवाले से पापुलेशन की जो है वो शरह बताई हुई है, आबादी की शरह 1000% के हिसाब से। तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं 1981 से 1998 और फिर 2015 और 2016 का। मैं लास्ट वाला जो आपसे शेयर करती हूँ कि पंजाब में 2016 की जो है वो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक आबादी का तनासब जो है वो 54.8% है, सिंध में 24.03% है, खैबर पख्तूनख्वा में 13.49% है, बलूचिस्तान में 5.19% है, फाटा में जो है वो 0.77% है, इस्लामाबाद जो कि कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान है उसमें आबादी जो है वो 2.42% है। तो इन स्टैटिस्टिक्स को देखकर भी आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से में पापुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है और किस में कम है। इसमें भी देख लें पंजाब और सिंध में आपको परसेंटेज ज़्यादा नज़र आ रही है बाकी इलाकों की निस्बत। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहरों की आबादी है 1998 के मुताबिक, उसमें जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर जो है वो कराची है जिसकी आबादी 9.2 मिलियन है। दूसरे नंबर पर लाहौर है जिसकी आबादी जो है वो 5.6% है मिलियन है। इसके बाद फैसलाबाद 1.97 मिलियन ये आ जाती है। चौथे पाँचवें छठे और सातवें बड़े शहर जो हैं वो रावलपिंडी 1.04 मिलियन, मुल्तान 1.18 मिलियन, हैदराबाद 1.15 मिलियन और गुजरांवाला 1.12 मिलियन है। जो कैपिटल ऑफ दी पाकिस्तान है इस्लामाबाद, उसकी आबादी जो है वो 0.79 अफराद है मिलियन। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान की आबादी के हवाले से। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज़राअत एग्रीकल्चर। अब आप सबको पता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ पर तकरीबन जो है वो अगर हम काबले काश रकबा देखें तो वो 57.78 मिलियन हेक्टर है जिसमें से 36.5% ज़ेरे काश्त है, 5% के ऊपर जंगलात हैं और 40% काश के लिए मुहैया नहीं है। कुल रकबे का 18% यानी 10.4 मिलियन हेक्टर जो है वो नाकाबले काश्त खाली पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का जो ओवरऑल मशीयत है उसका दारोमदार जो है वो ज़राअत पर है, साठ फ़ीसद यहाँ पर जो है कौमी आमदनी का जो है वो ज़राअत से हासिल किया जाता है और आबादी के 42% लोगों का रोज़गार जो है वो ज़राअत ही है। पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी फसलें पैदा होती हैं उनको दो बड़ी इकसाम में जो है वो डिवाइड किया गया है। खरीफ की फसलें जो कि मौसम बहार के आखिर में और मौसम गर्मा के शुरू में बोई जाती हैं और अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती हैं, और इसके बाद जो है रबी की फसलें हैं जो कि बरसात के बाद यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल या मई में काटी जाती हैं। तो ये दो तरह से जो है वो पाकिस्तान की फसलों को डिवाइड किया जाता है, जो फसलें खरीफ की फसलें या जिनको हम साड़ी की फसलें भी कहते हैं, और दूसरी जो हैं वो आपकी आ जाती हैं एक आपकी रबी की फसलें हैं और दूसरी जो हैं वो आपकी खरीफ की फसलें जो हैं वो आ जाती हैं, खरीफ और रबी की फसलें। इसके बाद चावल है जी। चावल जो है वो पाकिस्तान की सबसे अहम जो है वो फसल मानी जाती है। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में इसकी काश्त होती है। पंजाब में शेखुपुरा और गुजरांवाला डिवीज़न जो है वो इसके लिए बहुत काबिले ज़िक्र है। वजह इसकी ये है कि ये दोनों इलाके जो हैं वो दरियाओं की लाई हुई सैलाबी मैदानों से की मिट्टी से बने हुए हैं जो कि बहुत ज़रहेज़ हैं। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर चावल की
जो फसल है वो पाकिस्तान में जो है वो पाई जाती है। बासमती चावल जो हैं बैरूनी ममालिक में पाकिस्तान की बड़ी मांग है इन चावलों की, और चावल की फसल के लिए हम पहले चावल के बीज से जो है वो उसकी पनीरी लगाते हैं। एक दो हफ्ते के बाद जब वो पनीरी के पौधे छोटे छोटे हो जाते हैं तो उनको उखाड़ कर बड़े खेतों में लगाया जाता है। और इसके लिए जो है ओवरऑल जुलाई के महीने का जो ओस टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो और जनवरी में 13 दर्जे सेंटीग्रेड से कम ना हो, ये टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए। पकने के वक्त ओस दर्जा हरारत जो है वो 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें जो है वो पहले पनीरी लगाई जाती है और पनीरी को उखाड़ कर फिर दूसरी जगह पर जो है वो लगाया जाता है, और जो है वो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। दूसरी अहम फसल जो है वो गंदम की फसल है, और ये भी पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत से इलाकों में जो है वो काश की जाती है। अगर पाकिस्तान के जो हैं वो 5 मिलियन हेक्टर रकबा जो है उसके ऊपर गंदम की काश्त होती है, आधे रकबे पर चावल और चौथाई हिस्सी रकबे पर जो है वो दूसरे अनाज जो हैं वो बोए जाते हैं। गेहूं की पैदावार के लिए हालात का साजगार होना भी बहुत अहम है। गेहूं के पकने के लिए करीबन 90 दिन का अरसा जो है वो ठंडा और मरतूम मौसम दरकार होता है। सालाना बारिश की मकदार 375 मिलीमीटर से 875 मिलीमीटर तक हो, और पाकिस्तान में जिन इलाकों में बारिश की मकदार 225 मिलीमीटर से कम होती है वहाँ पर फिर मसनू आपाशी के ज़रिए से इस फसल को जो है वो उगाया जाता है। पाकिस्तान में जो गंदम की पैदावार के बड़े बड़े इलाके हैं उसमें सूबा पंजाब में मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोधा, मुजफ्फरगढ़ और जंग हैं। सूबा सिंध में सखर, हैदराबाद और नवाबशाह हैं। सूबा सरहद में डेरा इस्माइल खान, पेशावर, बनू और मर्दान हैं। सूबा बलोचिस्तान में नसीराबाद और हुज़दार हैं। एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हुआ जो कि 2015 और 16 में हुआ, उसके अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गंदम की कुल सालाना पैदावार जो है वो 25,482,000 टन है। खुश्क साली में जो है वो घरेलू ज़रूरत पूरी करने के लिए बाज़ दफ़ा जो है वो बैरूनी ममालिक से भी गंदम जो है वो मंगवाना पड़ती है। इसके बाद आ जाती है मकई, जिसको कॉर्न कहते हैं, ये भी पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में काश की जाती है। इसके लिए ज़्यादा पानी हो, धूप भी ज़्यादा हो जिन इलाकों में वहाँ उगती है। काश के लिए 500 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर सालाना बारिश, 24 दर्जे सेंटीग्रेड दर्जा हरारत और ज़रहेज़ ज़मीन का दरकार होना जो है वो ज़रूरी है। ये खरीफ की फसल है। पेशावर और मर्दान के मैदान और पंजाब के नहरी इलाकों में इसकी काश की जाती है। गन्ना जो है ये भी जो है उस ज़मीन में उगाया जाता है जो कि बहुत ज़रहेज़ हो और जहाँ पर पानी जो है वो बहुत कसरत से पाया जाता हो। गन्ने के खेत जो हैं वो आमतौर पर ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ आपाशी होती है। मुल्तान, पेशावर और मर्दान के ज़िला में इस फसल को काश किया जाता है। जौ जो है ये भी ऐसी फसल है जो कि गंदम के मुकाबले में ज़्यादा सख्त मौसम बर्दाश्त कर लेती है। ये गंदम के मुकाबले में खुश्क साली को भी ज़्यादा बर्दाश्त कर लेती है। पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में जहाँ गंदम की काश्त के लिए हालात साजगार नहीं होते वहाँ फिर जौ की काश्त जो है वो की जाती है। इसके बाद बाजरा, ज्वार और चना हैं। ये फसलें जो हैं ये खुश्क, रेतली और कम ज़रहेज़ ज़मीनों पर काश की जाती हैं, और ये जो हैं वो इनमें से बाजरा और ज्वार जो हैं वो खरीफ की फसलें हैं और चना जो है वो रबी की फसल है। कपास जो है इसको नकद आवर फसल कहते हैं क्योंकि ये बहुत महंगी होती है और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो ज़र मुबादला जो है वो कमाया जाता है। पाकिस्तान में जो है वो ओस दर्जे से मुख्तलिफ़ इकसाम की जो है वो मट्टी जो है जो अपने अंदर पानी जमा रख सके इसकी काश के लिए जो है वो बहुत मौजू है। वादी सिंध के नहरी इलाकों में इसकी काश की जाती है। 80% से ज़्यादा रकबे पर जो है वो अमरीकी कपास काश की जाती है। कपास के ज़ेरे काश्त कुल रकबे का 3/4 हिस्सा पंजाब में है और बाकी हिस्सा सिंध में है। तंबाकू जो है ये भी ज़्यादा इसके लिए ज़रहेज़ मिट्टी दरकार होती है।
और इस फसल को जो है खाद जो है वो ज़्यादा मिकदार में दरकार होती है। पाकिस्तान में जो है तंबाकू जो है तकरीबन हर ज़िले में बोया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो है ये जिन अज़ला में जो बोया जाता है उसमें मरदास, वाबी, अटक और साहेवाल हैं। कलात के अलावा मस्तवंग में आला किस्म का तंबाकू जो है वो काश किया जाता है। इसके बाद फल आ जाते हैं। फल जो हैं वो नीम खुश्क आबोहवा में तुश फल जो हैं वो काश किए जाते हैं पाकिस्तान में। इनमें कीनू, माल्टे, लीमू शामिल हैं जो कि ज़्यादातर पंजाब के नेहरू इलाकों में इनकी काश्त होती है। मुल्तान आमों की पैदावार के लिए मशहूर है। मुल्तान, हैरपुर और कलार डिवीज़न में दुनिया की मशहूर तरीन खजूरों के बाग हैं। आड़ू, आलूचे, सेब, बादाम, आलू बुहारे, खुबानियाँ और नाशपातियाँ ये पेशावर, मर्दान, हज़ारा और कोयटा के अज़ला में पैदा होते हैं जहाँ बारिश ज़्यादा मौसम सरमा में होती है। आला किस्म के सेब, आड़ू, आलू बालू, चेरी और अनार कोयटा में पैदा होते हैं। पाकिस्तान में खुश्क मेवों की सालाना पैदावार का अंदाज़ा 74.5 लाख किलोग्राम जो है वो लगाया गया है। आज के लिए इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे मादनी और तवानाई के वसाइल। अब एक मैं आपको मैप इधर दिखाती हूँ पाकिस्तान का, जो कि आपकी बुक में बना हुआ है। इसमें जो है ये ज़ेरे काश्त रकबा जो पाकिस्तान का है वो दिखाया गया है। ये जो डार्क एरिया है ब्लैक सा, ये सारे का सारा ये पंजाब में है, जो कि दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब और दरियाए की ये जो वादियां हैं जो मैदानी इलाके हैं इसमें है, और दरियाए सिंध में जो ज़रहेज़ मैदान बनाता है उसके पास के ये सारे के सारे जो पाकिस्तान में इलाके हैं ये ज़ेरे काश्त रकबा पाकिस्तान का इस मैप में जो है वो दिखाया है। ज़री हिता पाकिस्तान का जो है ये मैप भी ये देखें लिखा हुआ है पाकिस्तान का मैप है। इसमें ज़री हिता शो किया गया है क्रॉप लैंड के कौन से हिस्सों पर जो हैं वो फसलें उगाई जाती हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह जो है वो हम आपका जो है वो पाकिस्तान का ही नेक्स्ट टॉपिक है मादनी व ताकती वसाइल यानी मिनरल रिसोर्सेज ऑफ दी मिनरल एंड दी पावर रिसोर्सेज ऑफ दी पाकिस्तान वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।